हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग HTDXG। क्या हाल चाल हैं? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। और BTS की जितनी आर्मी है हमारे चैनल को देखने वाली, मैंने BTS रन BTS के एपिसोड 2 पे रिएक्ट किया था, और उसके कमेंट्स में मुझे आया जी एपिसोड 1 पे भी रिएक्ट करें। और मैंने खुद भी कहा था कि अगर मुझे 2 जो है ना मुझे समझ में लगा तो मैं 1 भी ज़रूर करूँगा, और उसके बाद आने वाली जो सीरीज़ है वो भी हम ज़रूर करेंगे। तो लीजिए, आज एपिसोड 1 का रिएक्शन हाजिर है। और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 एंड गो। हाँ दूर से, हाँ दूर से, हाँ वन टू दूर थ्री से, हाँ दूर से, हाँ दो थ्री। Never we all play. 방탄소년단이 왔으니까 이마침에 네이버 V가 왔으니까. Subtitle on. 다음에 subtitle 누르니. Neighbor V open. Open. 어서와. 방탄은 처음이지? 방탄소년단 지민 21살 매력둥이 재간둥이 제이오 22살 해피 바이러스. 민망하네요. 진 24살 어깨 막내 정국 19 민주가 천재. 뭐 이 두 마디면 될 것 같아요. 22살 랩몬스터 팀에서 V라는 멤버를 책임져 주고 있습니다. 김태형 V 21살 멋쟁이. 소통을 하는 그런 거라고 생각해요. V라는 말만큼 좋은 말이 많은 알파벳이 있나? Vision, Visual, Value, Very, Variety, Various. 글로벌하다고 설명을 드릴 수가 있는데요. 세계에서 동시 방송이 되다 보니까 빠르고 쉽고 편안하게 평상시에는 볼 수 없는 것들을 비에 오시면은 다 볼 수 있고요. 기존의 모든 영상 플랫폼들을 대체할 수 있는 여지껏 보지 못했던 새로운 무언가입니다. 대박일 거예요. 한마디로 A very good. 저희끼리 있을 때 스타팅 에피소드 하나 또 카피 디테일 매치는 얘기를 해야 돼요. 많이 보여드릴 수 있지 않을까. 꾸밈이 없습니다. 뭐 숨겨야 돼 뭐 그런 거 없어요. 저희는 진짜 본 모습을 보여드릴 거고요. 멤버들의 재미있고 못난 얼굴들이라던가 저의 잘생긴 얼굴이라던가 뭐 그런 거 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 화면 안에서도 화면 밖으로도 저희의 에너지를 보여드릴 수 있다는 게 저희의 차별화된 매력이라고 생각합니다. 진짜 웃길 거예요. 아마도 진짜 시끄러워요. 진짜 시끄럽습니다. 그리고 진짜 열심히 해요. 저희들의 리얼한 모습 보여드릴 수 있을 것 같습니다. 나를 위해 만들어진 내 것. 나 자신. 정신없어. 비용은 되게 정신없잖아요. 뭔가 되게 시끄럽고 말 엄청 많고. 새로운 창이죠. 뭐라니? 까도 까도 콘텐츠가 끊임없이 나오는 그런 양파라고 생각합니다. 사랑이에요. 많이 걸렸으면 좋겠어요, 메인에. 저희가. 제발. 방탄소년단이다. V 하면 방탄소년단이고 방탄소년단 하면 V가 떠오르는. 제가 진짜 못 보여드리는 저의 매력이 많은데 우울하실 때 봤으면 좋겠어요. V가 생겼어요. 저랑 이름이 같습니다. 저희가 V로 다양한 재미난 모습 되게 많이 보실 수 있을 거니까 앞으로 많이 기대해 주시고 저희도 되게 기대가 되고 V도 많이 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 팬분들께서 저의 궁금한 모습들을 보고 싶을 Hello, 때는 비를 찾아주세요. 비 앞으로도 많이 기대해 주시고요. 저희 방탄소년단 기대해 주시길 바랍니다. 비 파이팅! 전설을 만들 거예요. 긴 말하지 않겠습니다. 보시고 아까 세지 मैंने serious mistake कर दी कि मैंने episode 1 को पहले नहीं देखा. episode 1 को मैं पहले देख लेता ना तो episode 2 की बहुत ज़्यादा अच्छी understanding मिलती. कि मतलब ये जो रन BTS है इसका कंसेप्ट क्या है, क्यों ये शो बनाया गया, तो मज़ा आ जाता जी देख के. लेकिन चलें खैर है, अब हमने देख लिया तो आगे वाली जो वीडियोस हैं उनमें ये मिस्टेक्स जो है नहीं होंगी, बहुत सारी चीज़ें रेक्टिफाई हो जाएंगी. तो बड़ा देख के जो है ना इसको अच्छा लगा कि मतलब जो इस शो का जो मकसद है वो यही है कि
जो ओरिजिनली BTS हैं, मतलब वो अपनी रियल लाइफ में क्या हैं, सोशल लाइफ में क्या हैं और कितना फ़न करते हैं, उनके डिफरेंट जो है ना करेक्टर्स हैं, तो वो उनके फैंस के लिए उन्होंने ये शो बनाया और बड़ा अच्छी बात है जी, इंट्रैक्शन इस तरह मज़ीद जो है बेहतर हो जाता है अपने ऑडियंस के साथ। पहले देखना चाहिए था यार, गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी, और हमें आप तरह तरह का कंटेंट जो है वो सजेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा हम हर तरह की जॉनर्स पे जो है ना रिएक्ट करते हैं, चाहे म्यूज़िक हो, मूवी रिव्यूज़ हो, कॉमेडी हो, मीम्स हो, सॉन्ग्स हो, ठीक है, हर तरह का जो मिल जाता है, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, हम रिएक्ट कर देते हैं। ताकि कुछ वीडियोस पे हमें बड़ा ही नेगेटिव फीडबैक भी मिल जाता है कि यार ये आपने क्या कह दिया, लेकिन क्या करें जी, हम स्क्रिप्टेड तो नहीं करेंगे ना। स्क्रिप्टेड में तो होता है कि मैं पहले से वीडियो देखूं, फिर मैं पॉइंट्स अच्छे अच्छे लिख के बैठ जाऊं और फिर मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो पर रिएक्ट करूं और वही पॉइंट्स बोलूँ, वो मुझे लगता है वो दो नंबरी हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और विदाउट एनी एडिटिंग, एक भी बात ऊपर नीचे किए हम जो है ना वो बस डाल देते हैं। तो जितना रियलिस्टिक रिएक्शन हो सकता है जी हम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सी यू।